कैसे आप सब दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय और आपका स्वागत है मेरे चैनल में वापस से। तो अभी मैं ओह शिट फिर से तो फिर अभी मैं टैक्सी में हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ जोधपुर। हाँ मतलब कि तब मैंने होटल में स्टे किया था, अभी मैं पहुँच चुका जोधपुर। थैंक यू भैया। और मतलब कि हमेशा मुझे यही टैक्सी की मिलती है। और अभी मैं पहुँच चुका कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी मैं पहुंच चुका जोधपुर रेलवे स्टेशन। तो फिर अभी चलते आगे। बोला दोस्तों मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरे पास अभी टिकट ही नहीं है, मुझे यहाँ से टिकट निकालना पड़ेगा। क्योंकि मतलब कि ना वो इसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जोधपुर से बांद्रा जाने वाली वो सूर्य नगरी है ना, उसकी मैं ना मैं सोच रहा फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास वो सब ले लूँ, पर वेटिंग बहुत थी। तो फिर यहाँ से करना पड़ेगा। सर जी एक जो जनरल क्लास का, या आज एक काम करो ना, आप जनरल क्लास का एक, या फिर काम करो चालू टिकट का ना, चालू ट्रेन की टिकट दे दो। हाँ ठीक है बेटा, एक मिनट रुको, आती है आ रहा है पेपर, सॉरी मतलब कि अभी टिकट आ रहा है। चार पापड़ी है अभी अभी पेपर आ रहा है। ओके दोस्तों, से मुझे पेपर मिल चुका है टिकट। तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लग रही है, और ये एक पता नहीं कौन सी डबल डेकर ट्रेन है, मुझे कुछ आइडिया नहीं पता। तो अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और हाँ, ऐसी डबल टेकर मैंने लगी दिल्ली जयपुर डबल टेकर में बैठा था, तो मैं पहुँच गया यहाँ पर। तो अभी जनरल क्लास का एक में क्या बात है, स्लीपर क्लास का टिकट दे दिया। मज़ा आएगा स्लीपर क्लास। चलो अभी चालू क्लास का तो नहीं दिया, देखा जब अलग ही इसके ऊपर लिखा है मेरा है S1। तो S1 शायद से ये लग रहा है, शायद से ये लग रहा है S1। ओके दोस्तों, तो फिर अभी यही है S1, देख ही सकते हो यहाँ पर S1 है। तो अभी चलते हैं अंदर, इसको खुला रखो ना, तो मतलब आप देख सकते हैं ये हमारा स्लीपर क्लास। बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। अभी मेरा कोच तो S1 मिल गया, पर टिकट इसके ऊपर क्या लिखा है, टिकट है 3 नंबर है। चलो वही विंडो साइड तो मिला, हाँ बच गए। तो अभी मैं यहाँ पर बैठूंगा नहीं, मैं सिर्फ लगेज नीचे रख के अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि मुझे भी दिखाना है ये सारा। तो अभी पेपर मतलब कि टिकट को अंदर रख देता है पॉकेट में। ओके, तो अभी ट्रेन चलने में हल्का सा आधा घंटा का टाइम है, तो फिर अभी मैं बाहर जाके आपको बता देता हूँ ये कौन सी ट्रेन के साथ चल रही है। तो ये है S2। ओके, और ये है हमारा जनरल, कितना छोटा जनरल है ना। ओके, तो हाँ ये देख सकते हो ये कौन सा इंजन है, WDP5 एग्जैक्टली सामने दिख रहा है। ओके, तो अभी लाल सिग्नल है, अभी तक वो जाना नहीं है, मतलब कि सब जगह लाल सिग्नल है। सो दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन सूर्य नगरी चल रही है WDP5 के साथ, WAP5 एक्चुअली वो डीजल लोकोमोटिव दिमाग में रह गया, सॉरी WAP5। तो अभी चलते हैं अपने कोच की तरफ। तो पहले मैं जनरल क्लास को बता देता हूँ कैसा है। तो सबसे पहले अंदर जाएंगे, इस साइड वॉशरूम, कुछ भी नहीं। अभी इस साइड जाते हैं कोच में, तो यहाँ पर है 8 और 8, मतलब कि टोटल कोच में सीटिंग है 16। तो फिर मैं आपको बैठ के सीटिंग दिखाता हूँ, सीटिंग अच्छी है। और अभी चलते हैं नेक्स्ट में, अभी हम जाते हैं S2 में। तो मतलब कि अभी S2 में, हाँ ये मतलब कि बीच में ये ना जोड़ना वाला नहीं है, क्योंकि डीजल भी है, मतलब कि जनरल है। तो ये S2, ये ब्लू येलो कलर वाली नई ICF कोच का है। तो अभी मैं जाता हूँ अंदर, तो यहाँ पर है वॉशरूम बंद है क्योंकि जनरल का है। और अभी इस साइड जाने के बाद पहुँच गए हम S2 में, पर यहाँ पर बड़ा दोस्तों। सो दोस्तों, आप देख ही सकते हो कितना कंजेस्टेड है S2 में, मतलब कि नियरली यहाँ से तो हम किधर भी देख सकते हैं। ओके, आप देख ही सकते हो कैसा कंजेस्टेड एरिया है। और अभी साइड में कौन सी ट्रेन लगी है,
अरे वो तो मैं भूल गया, ये डबल, वो डबल डेकर का ही है। तो अभी इस साइड आने के बाद अभी हम जाएंगे S1 ये कोच बेल में, के मतलब कि बनाओ। सो अभी हम दोस्तों, तो अभी यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं येलो कोच से, येलो ब्लू कलर वाले कोच, मतलब कि हमारा S1 कोच। तो आप देख ही सकते हो अभी तक बहुत लंबा है, यहाँ पर अभी तक हम इतने पास ही हैं। तो अभी हम जाते हैं यहाँ पर, और S1 कोच कितना खुला एरिया है, रियली कितना खुला एरिया है। पर हम यहाँ पर, खुला तो बहुत है पर अच्छा है रियली, मतलब कि रियल। अच्छा ओके दोस्तों, तो अभी हम इस साइड जाते हैं, इस साइड पेंट्री कोच है, तो पेंट्री। ओके दोस्तों, तो ओके ओके दोस्तों, तो फिर पेंट्री कोच तो मैं रहने दो, ये पेंट्री कोच मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं बाहर से दिखा देता हूँ पेंट्री कोच कैसा है। तो यहाँ पर भी अटैचमेंट है, वहाँ पर भी अटैचमेंट है, सॉरी इक्वेशन की वजह से, सॉरी मतलब कि एक्चुअली ये पैक्ड रूम है तो फिर हल्का सा आएगा इक्वेशन। तो बाहर से आप देख ही सकते हो, इस साइड वॉशरूम और इस साइड पूरा बनाने वाला। अभी यहाँ पर अभी हम आएंगे थर्ड एसी वाले एरिया में, तो चलते हैं अंदर। यहाँ आप देख ही सकते हो B3 है, तो B3 है ICF कोच में, कितना मस्त लग रहा है। हाँ मतलब कि ये भी ऐसा कंजेस्टेड एरिया है पर अच्छा है, S2 से तो अच्छा ही है। ओके तो मतलब कि यहाँ पर ये है साइड साइड सीटिंग, ये है मेन एरिया, तो मतलब कि आप देख ही सकते हो कितना सुपर लग रहा है। ओके तो फिर मतलब कि आप देख ही सकते हो कैसा मस्त सिटिंग एरिया है। और भी यहाँ पर मतलब कि हल्का सा स्टेज डाला है। ओके तो मतलब कि टोटल इसकी सिटिंग है 30 B3 की है, और अभी हम जाएंगे B2 में। तो ये आप देख ही सकते हो यहाँ पर आउट सीटिंग एरिया है, और इसको तोड़ना है। आप चुपचाप लगाना है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम बैठ के मस्त आराम से चिलिंग की बात कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी हम जाएंगे B1 में, देख ही सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर कितना सुपर लग रहा है, मुझे उससे ज्यादा ये सुपर लग रहा है, पता नहीं क्यों। अभी अच्छा, हाँ यहाँ पर लाइट ब्लू यूज किया हुआ है और यहाँ पर डार्क ब्लू यूज किया हुआ है। ओके मतलब पर डार्क ब्लू कितना सुपर लग रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दो। तो इसकी कैपेसिटी है टोटल 24, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम सीटिंग एरिया है, अभी चलते हैं अंदर। अभी हम जाएंगे B1 कोच में, और B1 आप देख ही सकते हो येलो ICF कोच है, देखना पड़ेगा B1 ही है ना, हाँ B1 ही है। चलो तो आप देख ही सकते हो इंटीरियर पूरा येलो येलो। तो इसकी टोटल कैपेसिटी है 21, 21 कुछ ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है चलो अभी चलते हैं आगे। तो आप देख ही सकते हो कैसा है, तो मतलब कि मैं आप देख ही सकते हो, तो आप देखो कि अब सनसेट देख लो तो इधर, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ सनसेट के बाद। ओके दोस्तों, सो सनसेट हो चुका है, अरे बच गया। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट A1, मतलब कि थर्ड, अभी थर्ड एसी में से जाएंगे हम सेकंड एसी में, और सेकंड एसी आप देख ही सकते हो कितना लंबा है, थर्ड एसी तो लंबा ही है स्लीपर से भी। तो ये देख ही सकते हो आप A1 है, तो अभी स्टार्टिंग एरिया। तो हाँ सेकंड एसी में यहाँ पर सादा स्पेस है, और आप देख ही सकते हो यहाँ पर पूरा स्लीपिंग है, तो थोड़ी देर सो जाते हैं, मतलब कि स्लीपिंग सिटिंग। और हाँ ऊपर वाला के लिए यहाँ पर ये बेंच लगाई हुई है, पर बैठ नहीं सकते। ओके तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मस्त अच्छी वाली सीटिंग है, ऊपर हम बैठ नहीं सकते, बस आप प्रॉब्लम है क्योंकि ऊपर ये है ब्लॉक, तो मतलब कि ऊपर वाला शोकेस है, सिर्फ हम नीचे बैठ सकते हैं, पर बहुत सुपर है A1 तो बहुत अच्छा है। और इसकी टोटल कैपेसिटी है 24। अभी हम जाएंगे फर्स्ट क्लास में, हाँ देख ही सकते हो ये बाथरूम खुला रख के क्या करना है इन लोगों को, बाथरूम खुला ही रखते हैं। और फर्स्ट क्लास का बाथरूम मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है, अच्छा ही है। अभी हम जाएंगे फर्स्ट क्लास के कैबिन में, तो आप देख सकते हो कितना कूल लग रहा है, बस यहाँ पर साइंस नहीं है कि कौन सा टिकट कौन से एरिया में। तो ये है सेकेंड ए सी, सेकेंड ए सी क्या है, टू सेकेंड कंपार्टमेंट,
मतलब कि सेकेंड सीटिंग कंपार्टमेंट है, आप देख सकते हो सेकेंड सीटिंग कंपार्टमेंट, सो कूल इट इज रियली। तो बैठ के मस्त आराम से चिलिंग भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बैठ के देख लो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है इसमें। और अभी हम जाएंगे आगे, तो मतलब कि ये है पूरा सेकेंड सीटिंग कैबिन, और अभी ये है फर्स्ट सीटिंग कैबिन में क्या है ना, सिर्फ दो दो जनों की सीटिंग होती है कैपेसिटी। आप देख सकते कितना कूल लग रहा है, रियली कूल। अभी हम जाएंगे तो बाहर, मतलब कि फर्स्ट क्लास कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया। अब देखो रियल कितना साफ सफाई करते ही नहीं ये लोग, क्या करें यार, पर स्टेशन पे इतने सारे थे। अभी ट्रेन में निकलने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, और आप देख ही सकते हो कितना लंबा है, सबसे ज़्यादा लंबा ये फर्स्ट ए सी है, पर इससे भी लंबा DL1। या तो देख ही सकते हो DL1, मतलब कि इसमें DL1 भी है क्या ये से? अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है ठीक से, हो गया होगा। और हाँ अभी मैं उस साइड बाद में लेके जाऊँगा, तो सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम लग रही है, ओके। तो सबसे पहले ये है लेडीज सेक्शन, तो लेडीज सेक्शन के अंदर जाते हैं लेडीज बन गए, चलो ताकि क्या है ना कुछ पकड़े ना, ओके। तो अभी यहाँ पर वॉशरूम निकल, और ये है पूरा सीटिंग एरिया 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 सीटिंग कैपेसिटी है एक कैबिन में इसके, लेडीज वाले कैबिन में। अभी यहाँ पर डन, और अभी हम जाएंगे जेंट्स कैबिन में। अब जेंट्स कैबिन में देख लो यहाँ पर एकदम इंजन के बाजू में ये है जेंट्स कैबिन का डोर, देख सकते हो सीधा सामने वो अटैचमेंट वाला, ओके। तो यहाँ पर ये भी शायद से 17 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके ये 18 सीटिंग है, वो 14 है ये 18 है। तो इसका वॉशरूम भी आप देख सकते हो, और इसमें वॉशरूम के बाद उस साइड कुछ भी नहीं है, या इस साइड कुछ भी नहीं है, और हाँ लेडीज वाले वॉशरूम में उस साइड और उस साइड दोनों तरफ है, पर जेंट्स में सिर्फ एक तरफ है। और यहाँ पर ये है लगेज एरिया, बड़ा है सही है, मतलब कि लगेज एरिया काफ़ी है। और उसके बाद तो अभी हमें ट्रेन निकलने में, अरे बाप रे हॉन्किंग हो चुका है, तो भाई हमें ट्रेन निकलने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बाकी है, तो फटाफट चलना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों ये लोग भी ना इतना ख़राब कर दें कि मतलब कि फर्स्ट क्लास हमेशा ट्रेन के पीछे या आगे लगा दें, यहाँ पर अभी पीछे लगाए, और ये इतना मस्त अच्छा ये मस्त ब्रिक वाला ना स्टेज इन लोगों के लिए मिल गया, देखो। और मतलब कि अभी मैं काम करता हूँ, उड़ के उस साइड जाता हूँ, तो आप देख ही सकते हो कैसा है। हाँ बस यहाँ पर ये पैकिंग है, क्योंकि बीच में वो कैबिन है और यहाँ पर भी, पर हाँ बाकी का सुपर कूल है, मुझे ना सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास लगा, पर क्या करें टिकट मिला नहीं, तो अभी सोच रहा हूँ मैं फर्स्ट क्लास ये स्लीपर से ना मैं सेकेंड एसी में जर्नी कर लेता हूँ, चलेगा चालान काट लूँगा। और मैं टिकट फाइल ले लेता हूँ, टीटी सर को आने दो, ओके। तो टीटी सर अभी तक नहीं आया, तो जब तक आप मेरा सीनरी देखो। हाँ दोस्तों, तो मैं बोल रहा था कि ये हमेशा ऐसे ही क्यों बैठते हैं। हाँ दोस्तों, मैं ये बोल रहा था, ये मुझे ये दो पेपर, एक स्ट्रिंग और एक पेपर दिया है, क्योंकि अभी टीटी सर आए थे और उनने मुझे चलान अभी अभी कटवाया मैंने, और भी मैं बैठूंगा सेकेंड क्लास, मतलब कि वो पढ़ने वाली क्लास नहीं, सेकेंड एसी। तो फिर अभी मैं थोड़ी देर चले जा रहा हूँ बाहर, अरे बस स्टेशन आ चुका है तो पता ही नहीं चला, ओके। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ हमारा पहला हॉल्ट पाली मालवा, हाँ ये पड़ता है राजस्थान में। और अभी इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट, तो अभी मैं इसका कोच पोजीशन और फेयर के बारे में बता दूँ कि ये हमारी सूर्य नगरी चलती है एक जनरल क्लास के साथ,
और दो स्लीपर कोच के साथ, एक पेंट्री कोच के साथ, और तीन थर्ड एसी, एक सेकेंड एसी और एक फर्स्ट एसी, और लास्ट में एक डीएल कोच। टोटली मैं बोल रहा था कि इसमें टोटल 10 कोच, टोटल 10 कोच है। और सबसे पहले जनरल का फेयर, मतलब कि मैं सोच रहा था जनरल लूँगा, पर उसका फेयर लगता है टोटली कितना लगता था, मैं भूल गया एकदम। हाँ, उसका लगता है 400, और थर्ड और स्लीपर का लगता है 700, और थर्ड एसी का लगता है 1200, और सेकंड एसी का लगता है 2100, और फर्स्ट क्लास, यार फर्स्ट क्लास का बोलना ही नहीं, फर्स्ट क्लास का टोटल ही लगता है 5050 रुपीज़। या तो अभी फटाफट चलते हैं कि हॉकिंग हो चुकी है, तो अभी मेरी सीट में चलान काट के लगा हुआ है पहला कंपार्टमेंट, इससे जब मैं वो वाला कंपार्टमेंट तो इसमें ऐसा ही नहीं है, सिंगल वाला, ठीक है चलेगा। तो अभी बैठ जाते हैं। और हाँ दोस्तों, ये तो दोस्तों मतलब कि ये ट्रेन हमें बांद्रा टर्मिनस अगले दिन सुबह 11 बजे पहुँचाएगी, तो अभी रुकते हैं, तो फिर अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। 750 मैडम। ओके दोस्तों, सो अभी ये पेंट्री वाले आए थे चाय पी लेने, तो मैंने तो चाय नहीं लिया, तो फिर हाँ, अरे ये स्टेशन आ गया। तो दोस्तों हाँ, तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट, रानी जंक्शन। जंक्शन तो नहीं है, सिर्फ रानी स्टेशन है। रानी वो पड़ता है राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर इसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सूर्य नगरी का सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। तो अभी फटाफट चलते हैं अंदर, क्योंकि रात हो चुकी, मतलब इवनिंग में ये पहुँचाती है। एक्चुअली ये ना जल्दी पहुँचाइए, 5 मिनट, तो नियरली 7 मिनट रुकेगी। तो जब तक मैं चले जाता हूँ पेंट्री कोच में, क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी कोई बेचने आ ही नहीं रहा है, ये तो चीटिंग हो रही है। तो ये है फर्स्ट, ये B1 का कोच मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कितना कंजेस्टेड है। ओके दोस्तों, तो अभी सो जाता हूँ, क्या हो रहा है, बंद हो जाए, मुझे अपने कोच में फटाफट जाना है। ओके दोस्तों, आप देख ही सकते हो स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो ये स्टेशन है फालना, और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। तो अभी हम सो जाते हैं, और अभी तो अभी सुबह होने में टाइम लगेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10, और अभी हमने बोरीवली स्टेशन स्किप किया है, स्किप तो नहीं, मतलब कि वो निकाल, उसका वीडियो लेना भूल गया मैं, मतलब कि एक्चुअली लेट उठा मैं। तो अभी हम सिर्फ आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं बांद्रा टर्मिनस। तो फिर मैं अपना लगेज रेडी कर लेता हूँ, लगेज क्या कुछ भी नहीं है मेरे पास, इसलिए वहाँ पर आना था। ओके दोस्तों, सो अभी हम पहुँच चुके हैं हम फाइनली। तो वहाँ पर स्टेज पड़े हैं, तो मैं इतना दूर तो नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से ही चले जाता हूँ। तो अभी चलते हैं बाहर। सो आप देख ही सकते हो कितना कूल लग रहा है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेटिंग रूम में रहूँगा, क्योंकि अभी मुझे इसके बाद